ताजनगरी जहां जूते के व्यवसाय से विख्यात है, वहीं प्रशासन की अनदेखी और जूता व्यापारियों के लालच के चलते आगरा शहर हादसों का शिकार बनता जा रहा है। जूता व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों में होने वाले हादसों में हर रोज कोई ना कोई बलि चढ़ रहा है। ऐसा ही मंजर थाना सागंज स्थित रामनगर के पुलिया क्षेत्र में बसी घनी आबादी में जूते से जुड़े कच्चे माल के गोदाम में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की चपेट में आ जाने से एक युवक अपनी जान गवा बैठा। ईलू कितने बजे निकला था? सुबह 9 बजे काम पर निकला था, गरीब घर से, गरीब दोरिया में से। सुबह काम की के गया, सुबह हमने 11-12 बजे सुनिए कि आग लग गई। हमने ये इनके ठेकेदार घर पे आए कि रूपा है, मेरी रूपा तो इस जगह है नहीं है, तो हम देख के आए कि उसकी पेटी में आग लगी, हम भी तो जाए, मैंने कि घर पे क्यों नहीं आया, ना पे आके सुनिए, बहुत देर तड़े रहे हैं ना पे हम मालूम पर ये कि वो लड़का अंदर ही है, जल गया, खत्म हो गया। उसकी है 18-19 की है, शादी नहीं हुई थी, फैक्ट्री में काम करता था। ईलू हमारे घर पर ये सूचना दी गई थी कि आपका बच्चा मोबाइल छोड़कर और यहाँ वहाँ से भग गया है, और बताया मोबाइल छोड़ गया वहीं पे, भग गया, आग लग गई, वो भग गया, और अपने एक बच्चे को, अपना बच्चा बता रहे हैं, और एक और बच्चे को उनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए, और हमारे जो बच्चे की बस ये अफवाह उड़ा दी गई है कि आपका बच्चा घर से भग के निकल गया। हम जगह जगह ढूंढते रहे, कहीं पता नहीं चला, यहाँ आकर आखिर में यही आए लौट कर हम मालूम पड़ा गया, जब वहाँ देखा हमने तो बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल जैसी कि हाँ इसमें कुछ है नहीं है, फिर उसके अरे दरवाजे लगकर खत्म कर दी थी, और लोगों ने दबाव दिया, हमने भी दबाव दिया है, जब देखा गया तो उसमें जब उसको लेकर देखा है तो उसमें बच्चा हमारा बिल्कुल जला भुगा पड़ा था। क्षेत्र निवासियों की माने तो घनी बस्ती में कच्चे माल का गोदाम लंबे समय से संचालित हो रहा है। सुबह तकरीबन 11 बजे धमाके की आवाज सुनकर बाहर निकले तो मालूम हुआ कि पड़ोसी के गोदाम में आग लग गई। वहीं पड़ोसियों ने इसकी वजह मुख्य रूप से प्रशासन को ठहराया है। लागन सिंह, क्या घटना घटी थी, कितने बजे घटी? ये 10:30-11 बजे के बीच में घटना घटी थी। इसमें केमिकल रखा जाता है जूते का, उसमें अवैध तरीके के होता है केमिकल, जो गली मोहल्ले में रखने का मतलब नहीं होता है, केमिकल जो होता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, वो जी निकालने आए थे जिसका केमिकल है वो निकालने आए थे। अच्छा। और जब जो पहला का उन पे गिरा, वो पहनने से नाली में फैलने लगा और अब उसमें आग पकड़ ली। अच्छा, किसका गोदाम है ये? महेश चौधरी का, महेश मकान ये मकान मोहन सिंह का, क्या पे रखा है? अच्छा, जगह कौन सी है ये? रामनगर नई आबादी। अच्छा, कितने लोग झुलस गए? कितने? नहीं, 3 लोग थे उसमें, केमिकल लेने गए थे और तीनों लोग ही बजने, एक तो बिल्कुल खत्म हो गया और एक के पैर जल गए, एक के पीठ और हाथ पे जल गए। नाम बताएं? हाँ, क्या नाम है? एक का नाम है गांडू और एक का नाम है, उसका नाम है छोटे वाले का राइस, इसका नाम नहीं मालूम जी, लगा अंधकार रहने वाला। इसका नाम क्या कुछ मोहन बता रहे हैं, रहता कि वो सही रखा था? नहीं, गलत है साबुन तो, उसमें जो केमिकल है वो गलत है। अवैध तरीका का गलती तो गलती होती है, उसमें कभी भी आग लग सकती है, जैसे कोई पेट्रोल वगैरह है जी, है वही चीज़ है जी, जिस पेड़ों से महंगा चीज़ है, ये पेट्रोल वगैरह होती है उससे भी महंगा चीज़ है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे CO लोहामंडी और थाना पुलिस ने आग की चपेट में आए 2 लोगों को उपचार के लिए SN भेजा और मृतक रोहन के शव को पोस्टमार्टम भेजा गया। साथ ही घटना का शिकार हुए मृतक के परिजनों में व्याप्त रोष को समझा बुझा कर शांत किया गया और इस तरह के अवैध संचालित हो रहे कारखानों और गोदामों पर कार्रवाई करने की बात कही। मामला सागंज में जो है, थाना सागंज अंतर्गत केदारनगर में एक जूते बनाने का जो है काम चलता था, वहाँ पर जो है एक आग लग गई जिसमें एक व्यक्ति की जो है दब करके मौत हो गई है ना, उसको पोस्टमार्टम और पंचायत नंबर के जो है भेजवाया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। घटना पहली घटना नहीं है और गलियों में जो गोदाम है जूते के, कहीं ना कहीं देखें अब यहाँ पुराना कारखाना जो है आगरा जो है इसी के लिए मशहूर है, इस पर भी जांच कराई जाएगी, दिखवाया जाएगा कहाँ कहाँ सुरक्षा के प्रबंध है, कहाँ नहीं है, उनको भी दिखवा करके उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। गोदाम में केमिकल से लगी आग की चपेट में आसपास के घर भी आ गए। आग लगते ही क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया, पुलिस ने पहुँच कर स्थिति को काबू किया। आगरा शहर जो कि जूते के कारखाने से बड़ा ही बखूबी फेमस है, लोग दूर दूर से यहाँ सिर्फ जूते के बारे में ही जानते हैं, जूता और पेठा मतलब ताजनगरी, मगर कहीं ना कहीं
जूते का कारोबार आज कहीं ना कहीं आगरा वासियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। पुराने समय से गलियों में मोहल्लों में चलने वाले जूते कारखाने लोगों की जान पर बनाते हैं। आज ऐसा ही मामला थाना शाहगंज का है, जहां एक गली में एक कारखाना था जिसमें तीन बच्चे उसमें से कुछ माल निकालने आए थे। किसी भी कारण आग लगने से दो तो झुलस गए, मगर तीसरे जिसका नाम रौनक बताया जा रहा है उसने अपना दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसकी कमी प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। अगर प्रशासन ने अपनी चीज़ अपनी जो मुस्तैदी थी इस पर दिखाई होती तो आज कहीं ना कहीं रौनक इस दुनिया में होता, अपनी जान से हाथ ना धोता। अगर प्रशासन इसी तरीके से अनदेखी बरतता रहा तो कहीं ना कहीं ये रौनक पहला नहीं है, और आगे न जाने कितने और रौनक अपनी जान से हाथ धोएंगे, ये तो एक देखने वाली बात होगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, आगरा।